सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर आपको ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आपको ग्रैंड लीग परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं और आप 100% विनिंग कर सकते हैं यदि आप मेरे टीम से खेलते हैं तो। ठीक है, तो जो भी वीडियो नहीं देखा है जाके वीडियो देख ले, एवरी मैच में आपको ग्रैंड लीग पे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये बॉलिंग एवरेज पिच है, ठीक है, पेसरों के लिए इम्पोर्टेंट दे रही है। तो सबसे पहले ये बैटिंग प्लस बॉलिंग के लिए जो मेन बॉलर है, बैट्समैन है, आप उन पर फोकस करिएगा। ठीक है, सुलीन एम्ब्रेस जो हैं 21 मैचेस पे इस ग्राउंड पे 27.3 के एवरेज से रन मारा है। डी ग्रेविस ने 19 मैचेस पे यहाँ पे 19.4 के एवरेज से। एस हुपर, ये टॉप के थ्री हैं, ठीक है। फिर डी जॉर्डन्स हैं, ये भी विकेट टेकर बॉलर हैं, आप इनके साथ जरूर जाएं यदि आपके पास पॉइंट प्रॉब्लम नहीं हो रही। जे लाइने हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं, आप इनके साथ जरूर जाएं। ग्रैंड लीग में कैप्टनसी भी दे सकते हो, पिछले मैच पे फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए थे। सेम विलियम्स है, अपने हर एक मैच पे 1.1 के एवरेज से विकेट निकाल रहे हैं, मतलब हर एक मैच में तो एक विकेट लेके जा रहे हैं। सेम वही आकर डी जॉनसन का है, यहाँ पे बैटिंग भी करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग पिच है तो बैटिंग में भी अच्छे हाथ जमा सकते हैं, और यहाँ पर आपको विकेट टेकर भी बॉलर है। सुनील अम्ब्रेस 21 मैचेस पर 0.9 की एवरेज से, मतलब कि अपने हर एक दूसरे मैच पे विकेट निकाल के लाते हैं, और जहाँ तक है हर एक मैच पे भी ले जाते हैं। ठीक है, डी ग्रेव भी है, उनका रिकॉर्ड 0.8 का है। तो वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छे ये ऑप्शन जो आपके पास रहेंगे, कैप्टन तो यही रहने वाले। वाइस कैप्टन के पास आप सेम विलियम्स, ये एस विलियमसन या जे लाइने के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पे T10 पे फर्स्ट लास्ट 5 मैचेस की स्कोर की बात करें तो टोटल एवरेज स्कोर जो गया है दोनों पारी का 59 रन है, और फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 68 रन है। तो फर्स्ट इनिंग पे यहाँ पे बैटिंग करना आसान होता है, जिससे कम विकेट गिरते हैं और यहाँ पे रन भी अच्छा मार लेते हैं। तो आइए चलते हैं अब ग्रैंड लीग की। तो फ्रेंड, यहाँ पे 49 रुपीज़ में 5 लाख रुपीज़ आप जीत सकते हो। ग्रैंड लीग की आपकी कौन सी टीम बनने वाली है वो आपको दिखा देता हूँ। एस स्वी में जो यहाँ पे मैं इन्हें लेके आया हूँ, एल जेम्स भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, आप इनके साथ भी जा सकते हो। पिछले मैच पे डक आउट पे हुए थे, लेकिन यहाँ पे 2 रन आउट करने का ऑप्शन इन्हें मिल गया था। ठीक है, के हॉर्न एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो ले सकते हो जी पॉप की जगह, लेकिन यहाँ पे पॉइंट प्रॉब्लम है। ठीक है, एस हुपर है, जैसा कि यहाँ पे इस ग्राउंड में एक अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, तो एस हुपर आपके साथ जा सकते हो, एस हुपर ये वाले हैं जो आप इनके साथ जा सकते हो यदि आपको पॉइंट प्रॉब्लम नहीं हो रही जहाँ तो। ठीक है, जे मैथ्यूज है, डी हॉटे एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए ग्रैंड लीग पे, तो आप इन्हें भी इनके साथ भी जा सकते हो। ग्रैंड लीग में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे और जहाँ तक है विकेट भी निकाल के देते हैं। ठीक है, एस हुपर हैं विकेट टेकर बॉलर, बॉलिंग तो ही करते लेकिन हर एक मैच पे यहाँ पे आपको रन मारते हुए नज़र आ सकते हैं। डी जॉनसन है, जे लाइने है, जे वुड भी एक आपको ग्रैंड लीग में अच्छा ऑप्शन पे रहेंगे यदि आप इनकी जगह किसी और प्लेयर को लेना चाहते हैं तो। तीन ये तो रहेंगे, डी ब्राउन भी हैं, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, आप ग्रैंड लीग में कैप्टनसी पिक दे सकते हो। देखो यहाँ पे अपने पहले मैच पे ही पहले ही ओवर यहाँ पे मेडन ओवर डाला था, तो ग्रैंड लीग में कुछ आप हट के करना चाहते हो तो एक कैप्टनसी दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो, मान लीजिए सुलीन एम्ब्रेस 0 पे आउट हो गया, विकेट लेस रहा, विकेट भी नहीं पाया, तो अब उसके अकॉर्डिंग या डी ग्रेव के अकॉर्डिंग आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे जे लाइने को लिया है, सेम विलियम्स को लिया है मैंने जो पिछले मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया है, एल विलियमसन को लिया जो पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस किया, जे समूल्स भी हैं पिछले मैच पे विकेट लिए थे, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 की एवरेज से रन दिए थे, एक अच्छे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जे हैवुड हैं, यदि आप चाहो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। आपके पास जे समूल्स, एन विलियम्स और यहाँ पे जे हैवुड में किसी एक को ही पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टीम
फर्स्ट टीम जो ग्रैंड लीग की हमारी बनने वाली है कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है। पहली टीम हमारी ऐसे बनने वाली है, ठीक है। अब मैं इनके साथ ही हूँ। सेकंड टीम जो ग्रैंड लीग की बनने वाली है वो कुछ ऐसे बनी। यहाँ पे मैं विकेट कीपर भी चेंज करें, जे लेम्स के साथ जाऊँगा, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, और ये आपको रन भी मारते हुए नज़र आ सकते हैं, अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जरूर पिछले मैच में एल जेम्स ने जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, तो ग्रैंड लीग में इन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो सेकंड टीम जो हमारी कुछ बनने वाली है, कुछ ऐसे बनने वाली है, ठीक है। तो आप देखोगे मेरी सेकंड टीम जो रहने वाली है, टीम प्रीव्यू पे आप दिखाता हूँ कि यहाँ पे सोलह एम्बर्स को कैप्टन जे लाइने को जो हर एक मैच पे 1.1 के एवरेज से विकेट निकाला है, तो इन्हें भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ मेरी ऐसी टीम रहने वाली है, सेकंड टीम जो मेरी रहेगी कुछ ऐसे रहनी, थर्ड टीम जो रहेगी जैसे कि मैंने बताया सुनील अम्बरीश 1-0 पे आउट हो जाते हैं, तो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इनके साथ जा सकते हो। एक एडी जॉनसन भी बहुत अच्छे हैं, विकेट टेकर हैं, और पाँचवें नंबर पे फोर्थ टू फिफ्थ डाउन पे बैटिंग करते हुए नज़र आएंगे। यदि टॉप ऑर्डर ये फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, तो फिर डी जॉनसन ही है जो अपने पारी को संभालेंगे, साथ ही विकेट टेकर हैं तो विकेट भी निकाल के ले जाते हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में कुछ हटके कैप्टनसी चॉइस करने का। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। थोड़ी हटके टीम बनाओगे तभी आपको ग्रैंड लीग विन होगी, थोड़ी रिस्क लोगे तभी ग्रैंड लीग विन होती है, सेफ टीम पे कभी ग्रैंड लीग विन नहीं होती। तो टिप यही रहेगी कि आप थोड़ी हटके टीम बनाएं, सेफ जाने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता ही दिया हूँ, बाकी जो अदर कैप्टनसी जो चॉइस रहेंगे वो सर्किल मार्क पे हैं, आप दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।